हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर यू मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे सो आज के क्लास में हम देखेंगे पजेसिव केस ऑफ नाउन सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज पजेसिव केस और पजेशन सो पजेशन इट मीन्स टू शो द ओनरशिप ऑफ समथिंग तो यहाँ पे जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे पजेसिव केस का तो यहाँ पे कुछ रूल्स है जिनको हम फॉलो करेंगे लाइक like सपोज़ कि कोई सिंगुलर एंटिटी है या फिर सिंगुलर नाउन है तो उसका अगर हमें पजेशन फॉर्म करना है या फिर पजेसिव केस में उसको बनाना है तो उसके लिए कौन से रूल है अदर दैन दैट अगर कोई प्लूरल क्वान्टिटी आती है या फिर प्लूरल नाउन जिसे हम कहेंगे वो अगर आता है तो उसमें उस टाइप में हम कौन से रूल्स को अप्लाई करेंगे ये सारी चीज़ें हम आगे आगे वाले जो स्लाइड है उसमें देखेंगे सो लेट्स एयर फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस में रूल नंबर फर्स्ट सो रूल नंबर वन हमारा क्या कहता है कि वेनएवर द नाउन इज सिंगुलर इट मीन्स जो भी नाउन है वो आपकी एक सिंगल क्वांटिटी होगी या फिर एक सिंगुलर एंटिटी होगी मल्टीपल ना हो होकर वो सिंगुलर नाउन होगा तो उस केस में हमें करना क्या है कि उस केस में हम सिंपली उस नाउन के एंडिंग में एपस्ट्रॉपी डाल के उसको लगाएंगे एस तो वो बन जाएगा आपका सिंपली पजेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन ओके, सो लेट सपोज यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है द बॉयज़ बुक तो यहाँ पे जो बॉय वर्ड है ओके okay? तो बॉय इज़ योर सिंगुलर नाउन एंड उसके एंडिंग में हमने लगाया है एपेस्ट्रॉपी एंड देन ऐड किया है येस ओके सो यहाँ पे इस जो एग्ज़ाम्पल दिया है द बॉयज़ बुक इसका मीनिंग होता है कि जो बुक है वो किसके उस बॉय की वो बुक है इट मीन्स वो पजेशन शो कर रहा है कि वो जो किताब है वो किसकी है उस बॉय की है लेट्स इज द नदर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में भी यही दिया है जैसे द क्विंस मेड सिंपली जो क्वीन वर्ड है वो आपका एक सिंगुलर नाउन है ओके okay? और उस सिंगुलर नाउन के एंडिंग में हमने एड कर दी एपेस्ट्रॉपिक एंड देन येस सो इट बिकम्स द पोजिशन इट बिकम्स द पोजिव केस ऑफ दैट सिंगुलर नाउन द क्विंस मेड सो हियर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पजिसिव केस यू कैन सी दोज एग्जाम्पल्स हियर ओके नाउ वी विल सी रूल नंबर टू जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था रूल नंबर वन में कि जो हमारा सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर नाउन में हम सिम्पली एपस्ट्रोपी एंडिंग में लगा के एंड एस एड करके उसका पजिसिव केस फॉर्म करते हैं इफ़ वॉट अगर हमारा नाउन प्लूरल है इट मीनस ऐसा नाउन जिसके एंडिंग में ऑलरेडी एस लग चुका है तो उन केसेस को अगर पजेसिव केस में फॉर्म करना है तो कौन सा रूल है तो वही रूल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो लेट सी अगर हमारा नाउन प्लूरल है इट मीन्स ऐसा नाउन जिसके एंडिंग में ऑलरेडी एस लग चुका है तो उनका पजेशन फॉर्म करते समय उनको पजेसिव केस में लाते समय हमें क्या करना है सिंपली एपेस्ट्रोपी लगानी है अब यहाँ पे हमें कोई एस ऐड नहीं करना है वाई बिकॉज ये ऑलरेडी प्लूरल केस है और प्लूरल केस में आप सबको पता है कि प्लूरल केस में ऐसे कुछ नाउंस होते हैं जिनके ऑलरेडी एंडिंग में एस लगा के वो प्लूरल केस में फॉर्म बन उनका फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे पजेसिव केस में फॉर्म करते समय हम उसको सिंपली एपस्ट्रॉपी लगाएंगे तो वो बन जाएगा उसका पजेसिव केस ओके सो नाउ लेट्स द एग्जाम्पल जैसे पहले वाले एक जो रूल था उसमें हमने देखा था द बॉयज़ बुक तो ऑलरेडी वो एक बॉय था एक सिंगुलर एंटिटी हमने कंसिडर किया था बॉय सिंपली बॉय एंड उसको एपेस्ट्रॉपी लगा के देन एस एड के उसका वह बना दिया था हमने बॉयज बुक ओके लेकिन अब इस एग्जाम्पल में क्या होगा बॉयज होगा बॉयज बी ओ वाई एस ऑलरेडी प्ल्यल बन चुका है तो इस प्लूरल को हम करेंगे पजेशन में फॉर्म इसका बनाएंगे पजेसिव केस तो लेट्स सी बॉयज है बी ओ वाई एस उसके एंडिंग में लगाए एपिस्ट्रोपी सुनाओ इट बिकम्स ये क्या बन गया अभी इट बिकम्स दस ऑफ प्लूरल ओके सो लेट्स एग्जाम्पल है ऑलरेडी यहाँ पे प्लियल केस है काउज यानी मल्टीपल एंटीडी हो चुका है तो काउस के एंडिंग में लगा है एपिस्ट्रोपी एंड देन इट बिकम्स काउज काउज ईयर्स इसका मतलब वो कान काउस के है देन देना गर्ल्स कॉलेज सो गर्ल्स गर्ल्स से ऑलरेडी प्लूरल एंटिटी हमने कंसीडर की है सो गर्ल्स के एंडिंग में भी एपेस्ट्रॉपी लगा के उसको बनाया पजेसिव केस में गर्ल्स कॉलेज ये कॉलेज है लेकिन गर्ल्स का आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस नाउ वी विल सी रूल नंबर थ्री सो रूल नंबर थ्री कहता है कि जब भी हमारा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है एंड उसके एंडिंग में यस नहीं होता इट मीन्स अगर इरेगुलर फॉर्म है किसी भी प्लूरल नाउन का तो उस केस में पजेसिव केस फॉर्मेशन के लिए हम सिंपली ऐड करेंगे एपेस्ट्रॉपी एंड ऐड एस एट द एंड ओके तो वो बन जाएगा उसका पजेसिव केस इट मीन्स जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे जैसे चाइल्ड या आपका सिंगुलर नाउन है अगर मैं इसका प्लूरल नाउन लूंगी तो वो होगा चिल्ड्रेन ओके okay? तो चिल्ड्रेन का अगर पजेसिव केस मुझे चाहिए तो मैं सिंपली चिल्ड्रन लिखूंगी उसके एंडिंग में एपेस्ट रॉपी एंड देन ऐड करूंगी यस yes. सो so, सिंपली आपका बन जाएगा चिल्ड्रंस ओके नाउ वी विल सी यूज ऑफ पजेसिव नाउन विथ पर्सनफाइड ऑब्जेक्ट्स अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो कंट्रीज के नेम होते हैं लाइक like, इंडिया चाइना जापान अमेरिका सो so, ये जो सारे कंट्रीज है उनको हमें लाना होगा पजेसिव केस में तो so, सिंपली हमें क्या करना है कि जो कंट्री हो होगी जो कंट्री का नाम होगा उसका एंडिंग में हम प्लेस करेंगे एपेस्ट्रॉपी एंड देन ऐड एस सो वो बन जाएगा उसका पजेसिव केस अभी जैसे एग्जाम्पल ले लो कि हमें बोलना होगा इंडिया के लोग तो so, उस केस में हमारा सेंटेंस क्या बनेगा इंडियाज पीपल सो सिंपली इंडिया के बाद हमें लगाना होगा एपेस्ट्रॉपी एंड देन ऐड करना होगा यस सो इट बिकम्स इंडियाज पीपल